भावे जेड़ा भी चोटी का आलम हो मैं तो फकीर जा उलमा का खादिम ते नौकर हां मैं कोई अपने आप नु उलमा दे च नहीं कभी भी नहीं समझिया ते ना रखिया ते ना हां सच्ची गल ते ए फैजान है मेरे महबूब का करम है मेरे महबूब का गल समझ आई लेकिन वेख्या जरूर है कि जितनी नाकदरी उलमा दी हुंदी है जी हाँ यदि कोई मिसाल नहीं जिस नौखान हजरात ने बड़े हजूर की बड़ी अजमत शान बयान करते हैं अल्लाह करीम इन्हों ही इन्होंने मेहरबानी फरमाए मैं कोई तंज या मेरा एतराज नहीं है जी हजूर का जिक्र सोहने अंदाज नाल करना सुनावना यह भी मुहब्बत प्यार की दलील प्यार पैदा होता है गल समझ आ रही लेकिन अफसोस की गल है कि वह 10-15 मिनट का अपना जो कोई अंदाज है वह बयान करें जो उस अंदाज तक नात पढ़ें लेकिन एक आलम दीन अगर 2 घंटे भी करे जी तो साढ़े जिंद ये नहीं जानती कि असल तो गल आलम दीन ने सू दसनी है बेशक बेशक जी आलम दीन ने दसनी है कि असा जिंदगी किमें गुजारनी है बेशक जी हजूर ने पाक का उसवा हसना क्या है मेरे आका के अखलाक क्या ने यही तो शामत बन गई है कि बच्चे साढ़े और नौजवान साथी सिर्फ सुरह उत्ते लग गए मैं वेखदा पिया मौके जिसने नगीने नात खत्म की को 5-6 बंदे उठी गए जी अगे बैठे सन तशरीफ रखते हैं उठी गए कि हूँ बस सुरह शुरह वाली गल खत्म हो गई तो यही गल तो मैं दसा सुरह वाली गल खत्म नहीं हुई मैं आप खुद बड़ी सुर ला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सलामत रहो जी तो गुजारिश ही है कि जरा थोड़ा जहा हमेशा वास्ते इस वक्त पकाओ कि आलम दीन दी तकरीर नू सुने भी करो अपने बच्चों भी दसिया करो कि आए राती गल सुनीए आया मसला होया उस पर डिस्कस की आप बह के गुफ्तगू की करो ईमान ताजा होता है गल समझ आ रही असा तो कभी ये बहस मुबहसे ही छोड़ दिते ने गल समझ आई असा तो बिल्कुल ही मैं इतने हजरात मैं ये नहीं किसी ने उठाना कोई मैं तू मैं नमाज सुना जो तू मेरे को वुज़ू दा दस के तरीकाकार है ये मैं नहीं आखना लेकिन ये बात अच्छे तरीके मैं मालूम है कि 50% ऐसे भी हो सके जिन्होंने कोई नमाज रोजे के बारे मालूम शायद ना हो और कितने अफसोस की बात है कितने अफसोस की बात है कि एक बंदा अपने आप मुसलमान आखे और पूरे तरीके कलमा भी ना आवे नमाज का भी पता ना हो जी मेरे ख्याल नाथ खान हजरात जड़े ने वो उन्होंने वो जड़े पढ़ते ना शेर के बस साढ़े वास्ते हजूर का द्वारा ही काफ़ी है जी सन होर किसी की गल की लोड़ नहीं जी तो मेरा ख्याल है वो जी गल्लां सानू पसंद आ जांदियां ने लेकिन ये बात अपने जिन च रख लो कि तेरा मिजाज तेरा मकाम की है जिथे मेरे महबूब दे उस साहब इकराम जिन्हें अपनी जाना दा नजराना पेश हक सुभान अल्लाह तेरे ख्याल तेरिया सोचा इधर अपनी तकरीर तो थोड़ा जहा हटके मैं माफी चाहना तेरा तेरी सोच उन्होंने नालों को ज्यादा तो नहीं जी तू तो मेरे महबूब का जिक्र सुनता पिया ना तो खुश पिया होना जिन्हें मेरे महबूब ने वेखे सुभान अल्लाह कोई एक भी मिसाल दी जा सकती है जिन्हें वेखे उन्होंने नमाज ना पढ़ी होवे उन्होंने रोजा ना रखे होवे उन्होंने हज ना की होवे तू तो जिक्र सुन के गल समझ आई थे शायर के शेरों सुन के बिल्कुल ही अगर कुछ इस किस्म का अमल करेंदा नहीं है तो छोड़न वाले पास ज्यादा भजना है लेकिन जिन्होंने मेरे महबूब ने वेख्या जरा ख्याल फरमाओ जिन्होंने मेरे आका नू अपनी सर दी अखी दे नाल वेख्या है उन्हों का मकाम क्या है जी उन्होंने तो मकाम एक है जी उन्होंने तो मकाम एक है जिन्होंने हजूर ने पाक नू वेख्या उन्होंने तो मकाम एक है जी कदम नहीं असि तुम्हारे जिथे कदम लग जावे उस खाक के बराबर भी गल समझ आई इस वास्ते मेरे दोस्तों ये अपना वतीरा ना बनाओ हमेशा वास्ते इस आदत ना बनाओ उलमा दी तकरीर नू सुनिया करो मशायख दी तकरीर नू सुनिया करो गौर कीता करो क्योंकि उन्होंने तो सानू सिखाउणा है कि दीन की है जी इस वास्ते ख्याल फरमाया करो अल्लाह करीम लेके तौफीक नसीब फरमाए।